मुझे ये बताएं कि किस हीरो से सबसे ज्यादा मार खाई है आपने, और कौन सा ऐसा हीरो है जो फाइट सीन के दौरान सच्ची मुच्ची मार देता था? इसमें ना शफकत चीमा साहब एक ऐसे, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वो बहुत ज्यादा ना इस मामले में जुनूनी आदमी है, उसका जुनून है। मुझे एक फिल्म याद है, असलाह फिल्म, उसमें उनकी और मेरी ड्यूल फाइट थी, उसमें वो विलन थे और मैं हीरो था, और चीमा साहब ने जब मेरा गला दबोचा ना, तो मेरी आप यकीन कर रहे कि मुस्लिम भाई मेरी आंखें बाहर आ गई, सच मुझसे उन्होंने गला तो शॉर्ट कट हुआ, मैंने भी वो रिटेक ना करवाई, तो मैंने कहा यार ची मैं देखते से मेरी अखां बाहर आ गई ने, कहिंदा सन जो टन लै के तेरा फेस स्क्रीन ते आएगा ना कैमरे के सामने, तू अपना एक्सप्रेशन वेखी। मैं खैर चुप कर गया। अब मैं अगला शॉट बना के मैं सोफे पे गिरा हूँ, तो वो यू इन होते हैं, तो मैं यहाँ से ना उन्हें किक मारता हूँ, तो लगी है जरा जोर से और उन्होंने राउंड लिया सच्ची मुच्ची दा, सच्ची मुच्ची दा, कट नहीं करवाया। फिर मैं उठा, मैंने पंच मारा और वो फ्रेम से आउट हुए, तो मैंने कहा भैया की कीते देख मेरे निशान पै गया, मैं कहा टर्न लैके जो तू कैमरे के सामने मुझे अपना एक्सप्रेशन देखिए। चीमा साहब के बारे में मैंने ये भी सुना है, वो वाकई इतने जज्बाती विलन है, उन्होंने तो सांपनों चक मार लिया सी। हाँ, वो एक सांप था हाथ में पकड़ा हुआ, बस उनके साथ ना उसकी जुबान के साथ यू यू करते रहे, वो जहरीला है, तो वो अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी। एग्जैक्टली, वो हॉस्पिटलाइज भी रहे थे। हसन मुराद साहब, मुझे आपसे गिला है। क्या? आपने हर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू क्या आपको दूर पड़ता है? इंशाल्लाह अब सेशन शुरू होगा, तो वो उसमें सारे फरिश्ते आप हैं, वैसे भी आप जैसे खूबसूरत है ना, सिर्फ नौकरी का इंटरव्यू दिया करो। इन्हीं बातों की वजह से ना आपका YouTube चैनल हैक हुआ है। मेरे अल्लाह, ऐंदी कुड़ी ने इंटरव्यू दिंदी हुंदी, बॉस दी अद्धी चिप्स खा जांदी। हसन भाई, जुगत की मशीन का टाइटल किस स्टेज आर्टिस्ट पे सादिक आता है? मोहसिन भाई, अगर इंसाफ की बात करूं तो पंजाबी में अमानुल्लाह खान साहब, ठीक है, और उर्दू में उमर शरीफ साहब। हसन सर, मौजूदा वक्त में जो थिएटर हो रहा है, आपको नहीं लगता कि उसके बाहर लिखकर लगा देना चाहिए सिर्फ बालगों के लिए? हाँ, ये तो लिखना चाहिए, नीचे भी एक जुमला लिखना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे। बिल्कुल, शायद इसी वजह से मैंने कहीं पढ़ा है कि आजकल के थिएटर को पॉन थिएटर कहा जाता है। ओ, इसी वजह से आप भी दिखाई नहीं देते उसमें? हाँ डेफिनेटली, मेरे सीने पे ये क्वेश्चन ना जैसे आरे की तरह चल रहा है। जी 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 जी, मैंने तकरीबन 25-30 साल रेगुलर स्टेज किया है, नस नस में बसा हुआ है, लेकिन अब ये है कि इस दौड़ के साथ दौड़ नहीं सके, नहीं सके, बिल्कुल अनफिट हो गए। अब अमानुल्लाह साहब, मैं उन्हें कहूंगा वो पंजाब के वारिस शाह है ड्रामे के, क्या बात है, क्योंकि उन्होंने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच में ही होती थी, उन्होंने स्टेज पे आके की। अमानुल्लाह साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्टेज पे भी बेइंतहास आया और आम लाइफ में भी, लेकिन मजाल है कभी भी कोई गंदी बात, कोई वल्गर बात उन्होंने की। मुनव्वर शरीफ साहब की पूरी जिंदगी छपी पड़ी हुई है, देख लीजिए, एक जुमला तक नहीं नजर आता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सिंफ है जुमैनी। हाँ जी, जुमैनी बात भी होती है। हमारे सीनियर जैसे अलबेला साहब इस कदर मास्टर थे, लहरी साहब जी, वो इस कदर, और अदब में यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जी, हाँ, उनकी किताबें लिखी पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या खूबसूरत जुमैनी बात करते थे, क्या हंसाते थे। सर मैं इसको कंक्लूड करता चलूं, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका। देखिए, एक तो सर ने जैसे फरमाया कि एक तो अमानुल्लाह खान साहब फरमाया करते थे कि आपका गाना जो है ना वो लोग बार बार सुन लेंगे और हर बार महसूस हो लेंगे, एक लतीफे पे दूसरी बार नहीं हंसते, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ताहिर सरवर मीर साहब जो हमारे प्रोजेक्ट हेड भी हैं, उन्होंने भी फरमाया कि मेहनत करें ना, कोशिश करें, जिस तरह से आप एक अच्छा शेर कहते हैं उसी तरह से आप एक अच्छा लतीफा भी बना सकते हैं, तो वो जो वल्गैरिटी और जुमानियत के बीच का एक रास्ता है ना, वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ रहनी चाहिए, वो हम ही इस मुआशरे को देंगे और आप जैसे आर्टिस्ट ही देंगे डेफिनेटली। जैसे हसन भाई ने अभी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का भी जिक्र किया, तो उर्दू अदब में इससे अच्छा मजा मेरी बसारत से नहीं गुजरा, और वो ये है कि लाहौर की कुछ गलियां इतनी तंग हैं कि एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द, तो उनके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी बचती है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है।